स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। अगर आप भी श्रीनगर आ रहे हैं और श्रीनगर से आप गुलमार्ग घूमना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में सभी जानकारी दूंगा। गुलमार्ग में चलने वाले रोपवे सेवा यानी कि गंडोला सेवा के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ कि रोपवे कितना लंबा सफ़र आपको करा कर लेके जाता है, उसका टिकट क्या होता है, कितने लोग एक बार रोपवे में बैठ सकते हैं, ऑनलाइन उसकी बुकिंग हो सकती है तो उसके लिए कितना किराया देना होगा, सभी जानकारी वीडियो में मैं दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को सभी के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी हम फिलहाल श्रीनगर में हैं और श्रीनगर से हम बढ़ रहे हैं गुलमार्ग की तरफ। अगर ये सफ़र आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी पर्सनल टैक्सी ही करनी होगी जिसमें लगभग आपको 2.5 घंटे तक का सफ़र करना होगा। श्रीनगर से लगभग गुलमार्ग का सफ़र 52 से 55 किलोमीटर लंबा है जिसके लिए आपके पास एकमात्र विकल्प टैक्सी ही बचता है। आपको अगर गुलमार्ग जाना है तो आपको पर्सनल टैक्सी ही करनी होगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी बसेस की सेवा नहीं चलती है सरकार द्वारा। तो अगर आप टैक्सी भी करते हैं तो मान के चलिए पर डे के हिसाब से आपको 3.5 से 4 हज़ार रुपये में बहुत ही आराम से 4 सीटर टैक्सी मिल जाएगी। हालांकि रेट कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। मैं फिलहाल आ चुका हूँ गुलमार्ग और देखिए चाचा जी कैसा लग रहा है गुलमार्ग में आपको? बहुत अच्छा चल रहा है। गुलमार्ग में आके मौसम बहुत ही प्यारा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ मौसम, क्या मौसम हो रखा है। और यहाँ पर बाकी लोग भी आ रहे हैं, पापा ये आ रहे हैं मेरे। हाँ क्या हाल है? बस बढ़िया है, मजे आ रहे। हाँ पैदल जाके गुलमार्ग में सब फुल मौज कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने रोपवे की टिकट पहले ही एडवांस में कर ली थी। प्रो टिप यही है कि आप यहाँ पे आओ तो रोपवे की टिकट पहले ही एडवांस कर लो ऑनलाइन। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके आराम से बुक कर सकते हैं रोपवे की टिकट को। क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो भाई लाइन में लगे रह जाएंगे और फिर दलाल आपका पागल बना देंगे। यहाँ पे दुनिया भर के दलाल हैं, दुनिया भर के बिचौलियाँ हैं। आपको बोलेंगे कि रोपवे की सेकंड फेज़ तक की टिकट देंगे, बट वो सेकंड फेज़ की टिकट नहीं देते आपको, फेज़ वन की देंगे और पैसे ले लेंगे सेकंड फेज़ तक के। एंड ऐसा बिल्कुल भी आप गलती मत करना, ठीक है? तो मैं आपको बताऊँगा कि गुलमार्ग में क्या क्या आप घूम सकते हैं सबसे कम पैसे में, सस्ते में। तो जी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड चलते हैं वीडियो में आगे। आप गुलमार्ग आते हो तो ऐसे आपको यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी मिल जाती है, मतलब घोड़े वगैरह भी आपको ऊपर तक लेकर जाते हैं, बट उसका कोई खास फ़ायदा है नहीं। बाकी यहाँ पर आपको JKTDC के ये हट्स मिल जाते हैं, ये भी आप चाहें तो प्री बुक कर सकते हैं JKTDC की वेबसाइट से, जो कि काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे भी होते हैं। और जी हमें वहाँ जाना है रोपवे के लिए। रोपवे के लिए लगभग आपको चलना पड़ता है 1 से 1.5 किलोमीटर और यहाँ पे अगर कोई आप घोड़े से जाएंगे तो कोई 500, कोई 700, कोई कुछ, मतलब क्या होता है ये इतने ज़्यादा प्राइस बताते हैं कि बंदा कितने कम करेगा, इसीलिए बड़ी दिक्कतें हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताता हूँ, मैं पिछले साल आया था तब अमरनाथ यात्रा भी शुरू नहीं हुई थी और हमें घोड़े से जाना था फेज़ 2 तक या फेज़ 1 तक, तो उस समय 5,000 बोल रहे थे घोड़े वाले और हमने कितने दिए थे लास्ट में बार्गेन करके 500 रुपये। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने ज़्यादा इन लोगों ने मतलब रेट्स हाई बताए हुए हैं लोगों को, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर 500 बताया तो कितना कम कर लेगा, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये या 100 रुपये हद से हद। पर लोग ये नहीं सोचते कि वो 100 रुपये की चीज़ का 500 पहले ही बता रहा है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों यहाँ पर देखना चाहिए। बाकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर हट्स वगैरह मिल जाती हैं JKTDC की। और अगर आप गुलमार्ग आ रहे हैं तो फेज़ 2 में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोपवे का जो फेज़ 1 है उसमें इतना अच्छा मज़ा नहीं आएगा आपको जो आपको फील आने वाली है फेज़ 2 में। तो फेज़ 2 की टिकट और फेज़ 1 की टिकट आपको एक साथ ही बुक करनी पड़ेगी ऑनलाइन, तो ऑनलाइन टिकट बुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो भाई यहाँ लाइन में ही खड़े रह जाओगे, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है कभी कभी। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद में, जो कि बहुत ही नॉर्मल रास्ता था, अब हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ से सीधा जाएंगे तो गंडोला पड़ जाएगा। इधर आपका गोल्फ क्लब वगैरह है, चिल्ड्रन पार्क है, इसकी शॉप है, ये सारी चीज़ें इस साइड जाके पड़ जाती हैं। और प्राइजेज आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे प्राइजेज कवर किए हुए हैं जो कि सरकारी प्राइज़ हैं,
मतलब सरकार ने यहाँ पर हर चीज़ के जो प्राइस हैं वो फिक्स किए हुए हैं। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं रोवे की तरफ। पापा भी आ गए हैं। बहुत ही नॉर्मल रास्ता है, जैसे कि आपके शहर में होगा, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, आपको कहीं चढ़ाई नहीं चढ़नी है। आप बिना घोड़े पालकी के पिट्ठू के आ सकते हैं, कोई घोड़ा पालकी करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा वेस्टेज है भाई, हमने वो पैसा बचा लिया, 200-300 रुपये बता रहे थे पर पर्सन। सोचो सही लगा पापा चल के? हाँ बहुत बढ़िया, नॉर्मल था ना, घोड़े करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल था, कोई जरूरत नहीं घोड़ा करने की। तो फिलहाल हम आ गए गंडोला पे। ये वाली जो एंट्री है, यहाँ से गंडोला की एंट्री देख सकते हैं। जिसने टिकट लिया है वो भी यहीं आएगा ऑनलाइन, और जिसने ऑफलाइन टिकट लेना है वो भी यहीं लगेगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है एक इंसान को मैक्सिमम 10 टिकट मिल सकते हैं जो लाइन में लगा है ऑफलाइन, बंदा जो भी टिकट लेना चाहता है। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं रोपवे के अंदर, और ये होती है एंट्री रोपवे की। गुलमर्ग में आने के बाद में अगर आप रोपवे सेवा में बैठ रहे हैं तो आपको दो विकल्प मिलते हैं। एक विकल्प होगा फेज़ वन का, एक होगा फेज़ टू का। फेज़ टू फेज़ वन में क्या फ़र्क है मैं बता देता हूँ। अगर आप फेज़ वन में जाते हैं उसका ही टिकट लेते हैं तो आप फेज़ टू नहीं जा सकते हैं, और उसके बाद आपको कोई ऑफलाइन टिकट भी नहीं मिलेगी, तो आपको ऑनलाइन टिकट इसकी लेनी होगी। आपको बता देना चाहता हूँ दोनों का किराया, यानी कि फेज़ वन और फेज़ टू का किराया मिला के है 1690 रुपये, जिसके लिए वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगी और वही डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर जाकर आप आराम से बुकिंग कर सकते हैं पहले ही रोपवे के लिए। अगर आप 1690 रुपये दे देते हैं तो आप आराम से फेज़ टू जा सकते हैं और वापस रिटर्न भी हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा बर्फ आपको फेज़ टू पर ही मिलेगी, फेज़ वन पर आपको कोई भी बर्फ नहीं मिलने वाली है, ना के बराबर ही आपको बर्फ देखने के मिलती है फेस वन पर। वहीं फेस टू पे जाने के बाद में आपको वहां से बहुत ही प्यारा व्यू भी देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप रोपवे में आ रहे हैं तो जरूर आप फेस टू तक की टिकट ले लें। वहीं आपको बता देना चाहता हूं कम से कम आपको रोपवे में जाने के लिए 1.5 घंटे तक का समय लगता है। अगर बात करूँ फेज वन की, वहीं फेज टू में भी लगभग आपको 1/2 घंटा या फिर 1 घंटे तक का समय लग सकता है। एक रोपवे की ट्रॉली में लगभग 6 लोग ही एक बार में आते हैं। अब हम फिलहाल ट्रॉली के अंदर बैठ चुके हैं, बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। अब हम जा रहे हैं फेज टू की तरफ। ये था फेज वन जिसमें लगभग हमें 10 से 12 मिनट का समय लगा, बढ़िया था फेज वन। अब फेज टू उम्मीद है ज़्यादा अच्छा होगा। अब फेस वन से हम फेस टू की ओर बढ़ रहे हैं। फेस वन पे हमें बिल्कुल भी बर्फ देखने के लिए नहीं मिली, हमें उम्मीद थी कि फेस टू पर हमें ज़्यादा बर्फ देखने के लिए मिलेगी। फेस टू लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ पर आपको हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी हो सकती है, तो आप ज़रूर ध्यान रखें अपना और साथ में ठंड के कपड़े लेकर जाएं। जब हम रोपवे में बैठे हुए थे तो बहुत ही ज़्यादा धुंध थी, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो चुका था। वहीं अब हम फेस टू पे फाइनली आ चुके हैं। फेस टू पर आने के बाद में भी काफ़ी अच्छा व्यू था, हालांकि एक डिसअपॉइंटमेंट हमारे लिए थी इस बार कि यहाँ पर बिल्कुल भी स्नो नहीं थी। तो वहाँ से रोपवे से अब हम आ गए, फिलहाल यहाँ पे चारों तरफ धुंध है और अभी हमें लगी है बहुत तेज भूख,
तो खाना खाने वाले। फेज टू पर आने के बाद में सबसे पहले तो हमने खाना खाया जो कि हम पहले ही श्रीनगर से लेकर आए थे, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा भूखे थे। उस समय हमने खाना भी नहीं खाया था पूरे दिन से, तो ये काफी अच्छा व्यू था हमारे लिए कि हम इतनी ऊंचाई पर बैठकर फैमिली के साथ खाना एंजॉय कर पा रहे थे। मेरी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी स्नो को लेकर। जनरली जो गुलमार्ग, सोनमार्ग और पहलगाम है, टूरिस्ट स्नो के लिए ही आते हैं, और जब आपको स्नो ही नहीं मिलती है तो डिसअपॉइंटमेंट तो बनती है। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं 2021 की है, ये है अगस्त महीने की। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कितनी ज़्यादा स्नो देखने के लिए मिल रही है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये फेज़ वन की फुटेज है। फेज़ टू हम इसलिए नहीं जा पाए थे क्योंकि वहाँ पर रोपवे चल ही नहीं रहा था बहुत ज़्यादा हैवी स्नो होने की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्नो है। और वहीं 2022 में जब हम सेम टाइम पे आए हैं गुलमार्ग में, तो वहाँ पर स्नो भी देखने के लिए नहीं मिल रही है, ना तो फेज़ वन में ना ही फेज़ टू में कहीं भी हमें स्नो देखने के लिए मिली। तो 2022 में अगर आप इस समय आ रहे हैं गुलमार्ग, सोनमार्ग या फिर पहलगाम, तो कहीं भी आपको स्नो देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गुलमार्ग के फेज टू में, और इस साइड रोपवे बना हुआ है एग्जैक्टली इसी साइड। और जो फेज टू है उस तक आने के लिए लगभग आपको पूरा 1 घंटे लगता है, अगर मैं इंक्लूडिंग लाइन वगैरह सब कुछ लूँ 1 से 1.5 घंटा आपको लग जाता है ये फेज़ टू तक आने के लिए। फेज़ टू पे आने के बाद में देखिए क्या बढ़िया नज़ारा है, आप देख सकते हैं हमें बहुत सारे यहाँ पर बादल देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसकी वजह से व्यू थोड़ा सा छुप रहा है। इधर इधर थोड़ा सा हमें व्यू देखने के लिए मिल रहा है, आप देख सकते हैं इधर बादल खुल रहे हैं, बट सच में बहुत ही सूदिंग नज़ारा है, प्यारा नज़ारा है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर स्नोफॉल नहीं है ज़रा भी, और स्नोफॉल के लिए थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, बट क्योंकि अभी वेदर बहुत ख़राब है तो आगे जाना हम रिस्क नहीं ले सकते। आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है अभी, और अमरनाथ यात्रा करने के बाद में आवाज़ बहुत ज़्यादा बदल गई है। और आप सभी को अगर गुलमर्ग आना है तो फेज़ टू ज़रूर आना चाहिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कर ले, किसी भी एजेंट के चक्कर में ना आए। एक एजेंट ने किसी यात्री के साथ अभी ऐसा कर दिया, अभी एक यात्री मिले थे, उनको कोई फेक टिकट बना के दे दी एजेंट ने और पैसे भी ले लिए, यात्री को एंट्री फिर भी नहीं मिली और यात्री परेशान था। तो आप ऐसा ना करें, अगर आपकी प्लानिंग पहले से ही है तो रोपवे की टिकट ऑनलाइन बुक कर ले, जो कि दोनों फेजेस की मिला के 1690 रुपये की टिकट होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को सभी के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।